नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी हमने सोचा नहीं था कि भारतीय व्यंजनों की जब बात होती है और पर्टिकुलरली स्वीट डिश की जब बात होती है, उसमें से जलेबी जो है वो राष्ट्रीय स्तर का एक चर्चा का विषय बन जाएगी। पिछले एक दो दिन से हम देख रहे हैं कितनी चर्चा जलेबी से जुड़ी हुई हमने देखी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे विपक्ष के नेता हरियाणा में जब इलेक्शन के दौरान अपना प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ की कोई एक प्रसिद्ध जलेबी उन्होंने खाई और फिर उसके बाद उन्होंने जो बोला उससे जुड़ी हुई सारी चर्चाएं फिर हमने देखी। देखिए, अगर हम हमारे भारत की बात करते हैं, कितने सारे ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ एक मिठाई पर्टिकुलरली बहुत फेमस होती है और उस मिठाई के लिए फिर देखो कितनी भीड़ लगती है। आप बड़े शहर की बात करते हैं तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंदौर देखिए, वहाँ मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, तो कोई एक मिठाई वहाँ की ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकती है। लेकिन जलेबी ऐसी है मिठाई जो हर जगह पे आपको मिलेगी और पर्टिकुलरली एक दुकान वहाँ का कोई ना कोई फेमस ज़रूर होता है और लोगों को उस दुकान की मिठाई बहुत पसंद होती है। तो जब ये बात कर रहे थे हमारे विपक्ष के नेता, तो कितना होमवर्क उनका कच्चा था ये हमको देखने को मिलता है। अगर वो ये समझते या जानते कि हर गांव में, नुक्कड़ में, गली में एक मिठाई की दुकान ज़रूर होती है जहां गर्मा गर्म जलेबी मिलती है। मुझे ये सुनकर ना एक बहुत पुरानी एडवर्टाइजमेंट याद आ गई, जिसमें वो एक छोटा सा बच्चा रूठ कर चला जाता है और फिर वो रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, फिर एक पोस्टमैन आता है और फिर वो बताता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो बोलता है मुझे घर नहीं जाना है। और वो पोस्टमैन फिर उसको बोलता है अरे तुम्हारी मम्मी ने तो जलेबी बनाई है गर्मा गर्म, और वो तुरंत वहाँ से खड़ा होके उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि जलेबी एक कॉमन स्वीट डिश है जो हर जगह पे आपको मिलती है, लेकिन उसका स्वाद कब आता है? उसका स्वाद तभी आता है जब हम उसको गर्मा गर्म खाते हैं। अब देखिए, जब राहुल गांधी जी हमारे जलेबी की तारीफ कर रहे थे, बहुत फेमस जलेबी है नो डाउट वो हरियाणा की, और उन्होंने खाई, लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। उन्होंने वो डब्बा दिखाया सबको कि ये डब्बा है और आज मैंने ये मिठाई खाई, ये जलेबी खाई, तो एक रिप्लेसमेंट देखा नया। क्या रिप्लेसमेंट देखा? कि पहले वो संविधान की वो लाल डायरी की तरह वो जो किताब है वो हाथ में लेकर घूमते थे और सबको बताते थे कि संविधान खतरे में है, चलो उसकी जगह पे अब वो जलेबी का डब्बा दिखा और बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये बात मुझे कहनी है, वो क्या बात थी? उन्होंने कहा कि मुझे ये मिठाई बहुत पसंद आई और बताया कि मैं मेरी बहन के लिए भी लेके जाने वाला हूँ, और उन्होंने तुरंत मैसेज किया। और क्या मैसेज किया ये देखने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल से पढ़कर फिर लोगों को बताया कि मैंने प्रियंका को बताया, लिखा कि मैंने आज हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया जलेबी खाई है और आज मैं तुम्हारे लिए एक डब्बा लाने वाला हूँ। लेकिन देखिए, ये मैसेज भी उन्होंने मोबाइल पर देखकर पढ़ा और बताया। अगर ये सपना देख रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने का, तो आप सोच सकते हो कुछ जिनको अपने सिस्टर, अपनी बहन को क्या लिखा, क्या भेजा मैसेज वो याद नहीं रहता, तो और क्या बातें याद रहेगी। तो ये एक बात। फिर उन्होंने सारा बोलते हुए पूछा कि ये मिठाई की दुकान, ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने लाया बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फिर पूछा जहाँ वहाँ पे जो बैठे हुए थे उनके कार्यकर्ता कि कितने लोग दुकान में काम करते हैं, तो शायद उत्तर नहीं आया, तो उन्होंने बताया कि शायद 100 लोग काम करते होंगे। तो जहाँ तक हमारा विचार है या हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तो 100 लोग तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया।
और फिर उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि देखिए ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता था, हिंदुस्तान में पहुंच सकती थी, ऐसे बातें उन्होंने शुरू की। और फिर आए वो अपनी वही पुरानी बातों के ऊपर, वो ये कि अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और अभी बैंक से लोन आपको तो मिलता नहीं है। बैंक सिर्फ उनको लोन देती है किसको, अडानी और अंबानी को, मतलब वही पूरी जलेबी की तरह गोल गोल घूमते हुए उसी पर आए। तो उन्होंने ये कहा कि अडानी और अंबानी को बैंक लोन देती है, आपको नहीं मिलता है। भैया मैं, हम सबको पता है, रोज कम से कम एक बार कोई ना कोई बैंक से फोन आता है हमारे पास कि आप लोन लीजिए। कितने लोन लेना भाई, कार के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, इसके लिए लोन, सब लोन अवेलेबल है। और सब बैंक अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको लोन चाहिए क्या, आपको लोन चाहिए क्या। हमें भी आता कितने बार, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी को लोन नहीं मिलता है या बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक सिर्फ अडानी और अंबानी को लोन देते हैं। कितनी एक बड़ा जो बैकग्राउंड का वो जो हम कहते हैं ना कमतरता, होमवर्क, वो यहाँ पे दिखता है। खोखलापन जो होता है ना, जब जैसे बोलते हैं ना कि पानी नदी का अगर शैलो है तो आवाज़ ज़्यादा आता है, उस तरह से आप कितने अंदर से काम करके हुए बोलते हो ये दिखता है उनके भाषण से। फिर उन्होंने ये कहा कि जलेबी की फैक्ट्री खोलना चाहिए। अब जलेबी की फैक्ट्री खोलना मतलब ये अपने आप में ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जलेबी गर्मा गर्म ही खाई जाती है और वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो अगर फैक्ट्री खोलने की बात हो रही है तो कैसे खोलेंगे आप, मतलब ये अभी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शायद ये खोलेंगे वहाँ पे फैक्ट्री, और फिर एक फैक्ट्री में 10,000, 20,000, 30,000 लोग काम करेंगे, फिर यहाँ से वो जलेबी सारे हिंदुस्तान में जाएगी, फिर अमेरिका, जापान, बाकी सारे कंट्रीज में जाएगी। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो ये सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भाई जलेबी की फैक्ट्री अगर बनेगी तो फिर तो बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ और बहुत सारे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन हमारे यहाँ है जिसकी फैक्ट्री आप खोल सकते हो। देखिए ढोकले की भी फैक्ट्री खोल सकती है, लाइव ढोकला होता है ना, वो भी आगे जाके बोलेंगे कि ये लाइव ढोकला भी फैक्ट्री खोलनी चाहिए। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किस तरह से वही वही बातें करते हुए उसी पे आते हो। आपने उस टाइम पे जीएसटी की भी बात की, जो पुरानी बात आप हमेशा करते हो। फिर आपने चक्रव्यूह की बात की कि सभी लोग और ये छोटे मोटे बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल वाले चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो ये सारी बातें आपने की, लेकिन यहाँ हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर वही वही बातें बोल बोल कर अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों को उल्लू बना सकते हो तो ये होने वाला नहीं है। फिलहाल जलेबी का स्वाद चखते रहिए और ये अपेक्षा करते रहिए कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा में तो हर जगह पे फैक्ट्री दिखेगी जलेबी की, और हम आशा करते हैं कि ये सारी जलेबियाँ जो है विदेश में भी जाएगी। तो हमारी आज की बात सुबह की इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ। तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।